आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या गुरुवार 4 नवंबर 2021 है। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज की राग भोग व श्रृंगार सेवा सहित प्रभु दर्शन करते हैं। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज दीपावली पर्व है। दिव्य शंखनाद की टीम की तरफ से आप सभी दिव्य शंखनाद परिवार को खूब खूब बधाइयाँ। श्रीनाथ जी मंदिर के तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के पुत्र चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा द्वारा आपको खूब बधाइयाँ दी गई हैं। साथ ही अन्नकूट एवं दीपोत्सव की भावना भी समझाई गई है। आइए श्रवण करते हैं आपके वचनामृत। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्टि मार्ग में जन्माष्टमी के अवसर पर प्रभु का प्रागट्य तो हुआ ही, परंतु दीपोत्सव अर्थात दीपावली एवं अन्नकूट गोवर्धन पूजा कान जगाई का त्यौहार जन्माष्टमी से भी कई गुना अधिक धूमधाम से मनाया जाता है। इसका कारण यह है कि जन्माष्टमी के अवसर पर तो प्रभु का प्रागट्य हुआ ही, परंतु हम प्रभु से अनभिज्ञ थे। हम ये नहीं जानते थे कि हमारे देव कौन है। हम अज्ञानतावश इंद्र की उपासना करते रहे, परंतु प्रभु ने अपने पितृचरण के साथ मंत्रणा की, विचार विमर्श किया कि मेरा मत तो यह है कि हमें इंद्र की नहीं गोवर्धन की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि हम ब्रजवासियों का भरण पोषण तो पर्वत गोवर्धन करता है, न कि इंद्र। यहां सीख ये दी कि बड़ों के मंत्रणा बिना, विचार विमर्श बिना हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। पहली सीख तो ये मिलती है। तत्पश्चात हमें ये ज्ञात हुआ कि हमारे देव कौन है। तब से हमने पुष्टि भक्तों ने गोवर्धन की उपासना प्रारंभ की। विशेषकर नाथद्वारा में दशमी से श्रीमान तिलकायत महाराज के जब से श्रृंगार प्रारंभ होते हैं, ये पर्व मनाया जाता है, दीप प्रज्वलित किए जाते हैं, और जैसे ही जैसे दीपावली सम निकट आती है, जो आगम का जो आनंद है हमारे कीर्तनों में भी आता है, आगम के दिन नीके लागत, जो दीपावली के दिन जो उत्साह नहीं आता वो पहले आता है कि अब दीपावली आने वाली है। वाघ बारस, धन तेरस, धन धोवत नंद रानी, यशोदा मैया धन धोती है। हमारा धन क्या है? हमारा अलौकिक धन तो प्रभु स्वयं श्री कृष्ण ही है। रूप चतुर्दशी के दिन प्रभु के का रूप निखरता है, प्रभु के अभ्यंग होते हैं। बाहर संसार में काली चौदस मनाई जाती है, परंतु हमारे यहाँ तो रूप चतुर्दशी मनाई जाती है। प्रभु का सुंदर रूप निखरता है। दीपावली का पर्व आता है जहाँ हम सब ब्रजभक्त चोखा पधराते हैं, ताकि गोवर्धन पूजा तत्पश्चात अन्नकूट के दिन हमारे हाथ से पधराए चोखा से प्रभु भोग लगाएं, भोग अरोगें। कान जगह होती है जहाँ सब गौ माता पधारती है, प्रधानता गौ माता की होती है, जहाँ गौ माता को तिलक कर कान में कहा जाता है कि काल बेगी बेगी आई हो, आपके बिना ये पर्व अधूरा है। देखिए संगे शक्ति कलो युगे, यहाँ खाली ब्रजवासी नहीं, खाली ब्राह्मण नहीं, गौ माता, हमारे आदिवासी भाई, इन सबके बिना ये त्योहार अधूरा है। प्रभु की गोवर्धन पूजा होती है,
अन्नकूट का भोग लगाया जाता है और उस अन्नकूट के भोग के बाद सबसे पहले जब तक आदिवासी भाई आकर के उस भोग को नहीं ले जाते, उसका ग्रहण नहीं करते, वो महाप्रसाद नहीं कहलाता है। हम भी उसका ग्रहण नहीं कर सकते। वो सकड़ी महाप्रसाद हमारे घर में भी दूसरे दिन आता है, परंतु सबसे पहले उन लोगों का अधिकार है। ये महत्वता है, ये ताकत है हिंदू सनातन में, ये ताकत है पुष्टि संप्रदाय में। तो पुष्टि संप्रदाय जिस प्रकार हिंदू सनातन है, उसी प्रकार एक जीवन शैली है कि किस प्रकार आप अपने परिवार के संग विचार विमर्श करें, मंत्रणा करें, परिवार के संग रहें, मित्र को भी इतनी ही तवज्जो दें, प्रेम भी उस प्रकार करें, वात्सल्य का भी उस प्रकार से आनंद लें, तभी जाकर के एक जीवन सही महीने में सार्थकता प्राप्त कर सकता है। आप सभी को दीपावली पर्व की, अन्नकूट पर्व की, भाई दूज त्योहार की खूब खूब बधाई एवं शुभकामनाएं। कृष्णा अर्पणमस्तु। दीपोत्सव की श्रृंखला में कल धनतेरस एवं रूप चतुर्दशी के दिन प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर में कुछ नवाचारों का प्रारंभ हुआ है। आइए दर्शन करते हैं। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, यह धनतेरस एवं रूप चतुर्दशी के दिन के राजभोग दर्शन के पश्चात के श्रीनाथ जी मंदिर के दृश्य हैं। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर के प्रीतम पोल द्वार का पुनर्निर्माण हो रहा है। इस प्रकल्प के लिए चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा एवं उनकी बहू जी दोनों द्वारा भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। श्रीनाथ जी मंदिर के पंड्या श्री परेश नागर विधि विधान से यह समस्त प्रक्रिया पूर्ण करवा रहे हैं। मंदिर मंडल द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार यह द्वार भी भव्य रूप से बनाया जाएगा। यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में अस्थायी रूप से इसके पास ही द्वार बनाया गया है। लेकिन विशेष अवसर सामान्य जन भी इस अवसर पर श्रीनाथ जी मंदिर के सुधाकर एवं मंदिर मंडल मुख्य निष्पादन जितेंद्र उपस्थित और उन्होंने इस रीति में भाग लिया। यह भी प्रभु सिद्धि के साथ माला बोल प्रभु दर्शन बुलाया जाता है। दूसरे एक प्रकल्प का भी आज सेवार्पण किया गया। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसे आप भली भांति पहचानते हैं। यह प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर का मुख्य द्वार नक्कारखाना द्वार है। इसके सौंदर्यीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। इसका भी आज चिरंजीव गोस्वामी श्री विशाल बाबा एवं आपकी बहू जी को सेवार्पण किया गया। विधि विधान से यह अब जो दृश्य आप देखने जा रहे हैं, यह भी प्रभु श्रीनाथ जी के नक्कारखाना चौक के दृश्य हैं। लेकिन तिथि द्वादशी है,
और समय शयन के पश्चात का है। प्रभु श्री जी की अन्नकूट सेवा के तहत यह भाजी प्रभु श्री जी के ही बागतों से पधारी है और वैष्णव जन इसे प्रभु श्री जी के मंदिर में पहुंचा रहे हैं। अन्नकूट के तहत यह ऐसी सेवा है जिसे कोई भी वैष्णव और स्थानीय नागरिक कर सकते हैं और करते हैं। भाजी के साथ कंद आदि भी पदार्थ, यह प्रभु श्री जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का है जिसके यह ताजा तरीन दृश्य हैं। एक और तथ्य उल्लेखनीय है कि द्वादशी के दिन प्रभु श्री जी को धनतेरस के श्रृंगार धराए गए थे और इसी दिन से प्रभु श्री जी की गौशाला की गौ माताओं सहित पुष्टि मार्ग की अन्य हवेलियों की गौ माताओं के भी श्रृंगार आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें गौ माताओं के सींगों को रंगना, उन्हें और श्रृंगारित करना, उनके शीर्ष पर पट्टियां बांधना, घुंघरू बांधना, गले में घंटियां बांधना और अन्य सजावट करना शामिल है। यह जो दृश्य आप देख रहे हैं यह श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु की गौशाला से हैं, जहां पर पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर के श्री हरिराय जी बाबा गौ माताओं को श्रृंगारित कर रहे हैं। उनके पुत्रों ने भी इस अवसर पर सेवा में भाग लिया। श्रीनाथ जी के दर्शन से पहले आज के दिवस की विशेषताएं जान लेते हैं। आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या गुरुवार 4 नवंबर 2021 है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी में दीपावली उत्सव की भावना का अवलोकन करते हैं। आज महोत्सव होने के कारण प्रभु श्री जी के मंदिर की सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में जमुना जल भरा जाता है। मंगला दर्शन के उपरांत प्रभु को चंदन आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। अन्नकूट के तहत अरोगाई जा रही सामग्रियों में आज की कड़ी में प्रभु को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में दीवला व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग के अन्न सखड़ी में दाख अर्थात किशमिश का रायता और सखड़ी में केसर युक्त पेठा मीठी सेव आदि अरोगाए जाते हैं। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी के सूखे मेवे अरोगाए जाते हैं तो आरती के समय अरोगाए जाने वाले ठोड़ के स्थान पर गेहूं के पाटिया के बड़े लड्डू अरोगाए जाते हैं। आज श्री जी की सेवा क्रम में एक विशेषता और होती है। राजभोग आरती के पश्चात पूज्य श्री तिलकायत अन्नकूट महोत्सव के लिए चावल पधराने जाते हैं। उनके साथ चिरंजीव श्री विशाल बाबा श्री जी के मुखिया जी व अन्य सेवक श्री जी के खासा भंडार में जाकर टोकरियों में भरकर चावल भीतर की परिक्रमा में स्थित अन्नकूट की रसोई में जाकर पधराते हैं। तदुपरांत नगरवासी व अन्य वैष्णव भी अपने चावल अन्नकूट की रसोई में अर्पित करते हैं। आज सायंकाल से अन्नकूट की चावल की सेवा प्रारंभ हो जाती है। आज श्री जी में राजभोग दर्शन के पश्चात कोई दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं।
दूसरी तरफ राजभोग दर्शन के लगभग ही नाथ द्वारा स्थित श्री जी की गौशाला से गौ माताएं सज धर कर नाथ द्वारा पधार जाती हैं। यह वल्लभ विलास के नीचे बनी गौशाला में विराजती हैं। तत्पश्चात जब शयन भोग आरोप कर श्री नवनीत प्रिया जी कान जगाई करने के लिए गोवर्धन पूजा चौक में पधारते हैं, तब गौ माताएं भी पधारती हैं। कान जगाई के पश्चात श्री नवनीत प्रिया जी के हटरी में विराजित होने के दर्शन होते हैं। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। साज सेवा में श्री जी में आज श्याम आधार वस्त्र पर कुंडों में वृक्षावली एवं पुष्प लताओं के मोती के सुंदर जरदोशी के काम वाली जड़ाऊ पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया भी जड़ाऊ रहते हैं। चरण चौकी पर लाल रंग के मखमल की बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज लाल रंग की जरी का सूथन व फुलकशाही श्वेत जरी के रूपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चाकदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र अमरसी अर्थात गहरे केसरी रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो श्री जी को आज वनमाला का चरणारविंद तक का 3 जोड़ी माणक हीरा माणक व पन्ना का भारी श्रृंगार धराया जाता है। इससे ही मिलते जुलते अर्थात मिलवा हीरे मोती माणक पन्ना तथा जड़ाऊ सोने के सभी आभरण धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर फुलकशाही श्वेत जरी की जड़ाव की कुल्हे के ऊपर सिरपेच तथा 5 मोरपंख की चंद्रिका की जोड़ और बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्रीकर्ण में हीरा के मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। बाईं ओर मानक की चोटी जी अर्थात शिका जी धराई जाती हैं। पिठिका के ऊपर प्राचीन हीरे का जड़ाव का चोकटा धराया जाता है। श्रीकंठ में बगनखा धराया जाता है। श्री जी को फूल घर की सेवा में आज गुंजा माला के साथ श्वेत एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी हीरा के वेणु जी एवं 2 वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया नूपुर व बिच्छियाँ धराई जाती हैं जो उत्सववत होती हैं। प्रभु को आरसी जड़ाऊ वाली दिखाई जाती है। खेल के साज में पट व गोटी उत्सववत रखी जाती है। राग सेवा में मंगला में गोकुल गोधन पूज ही गिरधर नंदलाल राजभोग में गुर के गुंजा पुआ आरती में खेली बहु खेली कान जगाई में आलापचारी होती है। जिसमें कान जगावन चलेरी कन्हाई दीपदान दे श्याम मनोहर खिलावत शोभा भारी गाय। वहीं जब ठाकुर जी हटड़ी में विराजते हैं तब आई ब्रज बधु मन हरन देखो इन दीपन की सुंदराई आज दीपत दिव्य दीप मालिका आज अमावस दीप मालिका और भी हटड़ी के पद गाए जाते हैं। आज शयन भोग शयन व मान पौढ़ाने के पद नहीं होते हैं। जय श्री कृष्ण। उष्टि मार्ग के सभी वैष्णव जनों को मेरी ओर से मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं और शुभकामनाओं के साथ साथ गुजराती नवीन वर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं और श्री प्रभु के दिवाली अन्नकूट आदि मनोरथों का आनंद लेने के लिए आह्वान करता हूं। अब पुष्टि सृष्टि से दर्शन करते हैं। आज दीवारी मंगल चार आज दीवारी मंगल चार ब्रज युवती
इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाड्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजू भाई सनाड्य, कमलेश पालीवाल, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाड्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काका साहब एवं रवि गोपाल जी मापावाला कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि के दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।